हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम नियामक ज्यामिति से चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः 3, 0, 4, 5, -1, 4 एवं -2, -1 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसमें जो होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हमने बताया था, उसी फॉर्मूला की सहायता से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आइए देखते कैसे। सबसे पहले एक मैं यहाँ पे चतुर्भुज खींच लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम ए बी सी डी, ठीक है, और जो निर्देशांक दिए गए हैं वो निर्देशांक मैं लिख लेता हूँ 3, 0, 4, 5, -1, 4 और डी जो है वो -2, -1, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दें कि इस ए और सी को मिला देते हैं सीधी लाइन से, तो एक बन जा, इसके अंतर्गत दो त्रिभुज बन जाते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा ए डी सी त्रिभुज बन जाएगा। और आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लिख लेते हैं। ए का शीर्ष है 3, 0, बी का शीर्ष है 4, 5 और सी का शीर्ष है -1, 4। सुविधा के लिए x1 = 3 और y1 = 0, x2 = 4 और y2 = 5, x3 = -1 और y3 = 4। ये मैंने लिख दिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, क्या होता है 1/2 × x1 × y2 − y3 + x2 × y3 − y1 + x3 × y1 − y2, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सिंपल क्या करना है, ये वैल्यू इसमें बैठा देना है 1/2 × x1 कितना है 3 रख देना है इंटू y2 − y3 यानी कि 5 − 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 कितना है 4, फिर y3 − y1 यानी कि 4 − 0 प्लस x3 कितना है -1 और पर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखना है और 1, फिर ब्रैकेट सॉरी y1 − y2 = 0 और y2 = 5 यानी कि 0 - 5, ब्रैकेट बंद बंद। अब इसको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। देखिए 5 में से 4 घटेगा 1, 1 का गुना 3 के साथ 3 हो जाएगा, 4 में से 0 घटेगा 4, 4 का गुना 4 के साथ तो +16 होगा, और -5 का गुना -1 के साथ तो ये हो जाएगा आपका +5। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है 1/2 × 16, 5 = 21, 21 + 3 = 24, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा तो 12 बार कट जाएगा, यानी कि 12 वर्ग इकाइयां इसका क्षेत्रफल आ गया, किसका, त्रिभुज एबीसी का। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो देखिए इधर त्रिभुज एडीसी का शीर्ष, ठीक है, तो ए का शीर्ष है -3, 0, डी का शीर्ष है -2, -1, सी का शीर्ष है -1, 4। इधर सुविधा के लिए आप लिख लीजिए x1 = 3, y1 = 0, x2 = -2
और y2 टू इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस वन और y3 थ्री इज इक्वल टू फोर। ठीक है, फिर वही चीज आपको लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बाई टू इंटू एक्स वन इंटू वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब 1 बाई टू और इसका वैल्यू इसमें रख देना है, एक्स वन, एक्स वन कितना है थ्री। ठीक है, फिर y2 टू माइनस वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री, तो y2 कितना है माइनस वन और माइनस वाई थ्री कितना फोर, तो फोर यहाँ लिख देना है। प्लस x2 की बात करना है, x2 आपका माइनस टू, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस टू यहाँ पे ब्रैकेट y3 थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन यानी कि चार घटाओ शून्य, चार घटाओ शून्य ब्रैकेट बंद। प्लस x3 की बात की जाए तो माइनस वन है, तो x3 माइनस वन है, तो इसीलिए यहाँ यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वन इंटू ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन आपका शून्य है, वाई टू की बात की जाए तो माइनस वन है, तो यहाँ भी माइनस तो प्लस वन हो जाएगा ब्रैकेट बंद। देखिए वन बाई टू ब्रैकेट यहाँ पे माइनस एक माइनस चार कितना होगा माइनस पाँच, माइनस पाँच का गुणा तीन के साथ माइनस पंद्रह हो जाएगा, चार घटा शून्य चार होगा, चार का गुणा माइनस दो के साथ तो माइनस आठ हो जाएगा। ठीक है, और इधर शून्य प्लस एक, तो एक, एक का गुणा माइनस एक के साथ तो माइनस एक होगा। अब देखिए यहाँ पे तीनों माइनस में आया है, इसका मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो पंद्रह आठ कितना होगा तेईस, तेईस एक चौबीस हो जाएगा, चौबीस हो जाएगा, वो भी माइनस में चौबीस आएगा, तो जब माइनस में चौबीस आता है तो मोडनस लगा के माइनस चौबीस लिखेंगे यहाँ। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोड लगाने से इसका वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस पे हो जाता है। ठीक है, मोडनस लगाने से तो यहाँ पे ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू ट्वेंटी फोर, ये माइनस जो है ऋणात्मक है ये धनात्मक हो जाएगा, दो से ये कट जाएगा आपका ट्वेंटी फोर, तो हो जाएगा बारह वर्ग इकाइयां। ठीक है, तो ये आ गया त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी दोनों का क्षेत्रफल समान आया है, बारह बारह इकाइयां आया है। अब हमें चाहिए त्रिभुज, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर जोड़ दिया जाए तो वह चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, तो यहां भी वही करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 12 है और एडीसी का भी 12 है, दोनों को जोड़ देना है तो कितना होगा 24 वर्ग इकाइयां, वर्ग इकाइयां। ठीक है, देखिए तो यहां पे इसका क्षेत्रफल निकल गया, तो आप तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीख गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।